डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास के साइंस का, जिसमें चैप्टर नंबर 13 हम आज देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों हम बीमार पड़ते हैं। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। एक हमारे सामने एक चैलेंज भी है, हमारे सामने एक क्वेश्चन भी है, कि ताकि ये हमें ये पता चले कि हमारे बीमारी होने का, हम बीमार पड़ने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, उस चीज़ों को हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर में क्या क्या पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। वो चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो एक एक पॉइंट को मैं अगर बताऊँ तो अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ, तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं और डिसीजेज अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, उस चीज़ों को ही आज हम देखने वाले हैं। जैसे वो फिजिकली हेल्दी की बात कर रहे हैं, चाहे मेंटली हेल्दी की बात करें, चाहे सोशली हेल्दी की बात करें, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, ये तो पर्सनल इशू, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ये दोनों हो सकते हैं, पर्सनल हो सकता है या कम्युनिटी हो सकती है, दोनों हो सकता है। ये दोनों के रीजन से हेल्थ हमारा अच्छा और ख़राब दोनों हो सकता है। डिसीजेज के रीजन से, एक तो देखो जो मैंने बताया कि पर्सनल और कम्युनिटी, इसके रीजन से हो सकता है, और दूसरा होता है डिसीज, कोई बीमारी अगर पकड़ लेती है तो। ठीक है, अब बीमारी जो होती है, डिसीजेज की बात करूँ तो वो क्या कर देती है, हमें अनकम्फर्टेबल कर देती है। ठीक है, अनकम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल में नहीं रहने देती है। तो क्या होती है, एक्यूट होता है या क्रॉनिक होता है या इन्फेक्शन्स होता है या नॉन इन्फेक्शन्स, इस तरीके के ये डिसीजेस होती हैं। अगर इन्फेक्शन्स की बात करें, अगर मैं इन्फेक्शन्स की बात करूं तो इन्फेक्शन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या आ जाता है, स्प्रेड बाय पैथोजेंस। एक तो पैथोजेंस से होता है, फिर प्रिवेंशन अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो होता है, और ट्रीटमेंट अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। अब देखिए, पैथोजेंस बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, इन सब चीज़ों से बीमारियां होती हैं। अगर प्रिवेंशन जनरल वे या स्पेसिफिक वे, और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स से ये प्रिवेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ताकि हमें आइडियाज़ भी मिलेगा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या ये रीज़न है जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, डिसीजेज़ के कारण पड़ रहे हैं या पर्सनल या कम्युनिटी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बीमार पड़ने के लिए। तो एक एक पॉइंट वन बाय वन हम एक एक चीज़ों को देखते जाएंगे कि ताकि हमारे माइंड में ये एक एक पॉइंट समझ में आए कि मैं बीमार क्यों पड़ा, मेरा रीज़न क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या रीज़न के कारण मैं बीमार पड़ा। तो ये सारे पॉइंट को अगर समझना है तो ये मेरे साथ लगे रहिए। ये चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं, और 13 में हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों बीमार हम पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं तो उसके रीजंस एक एक पॉइंट को हम देखते जाते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इज अ जनरल कंडीशन ऑफ पर्सन्स माइंड एंड बॉडी। ये जनरल कंडीशन है पर्सन की, ये दिमाग और उसके शरीर का, ये एक जनरल कंडीशन है हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हेल्थ से क्या, हेल्थ के लिए क्या स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये पर्सन को ही बोला जाता है हेल्दी, हेल्दी पर्सन बोला जाता है। टू मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी एंड डिसीजेज फ्री, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7th अप्रैल। 7th अप्रैल को हम वर्ल्ड WHO डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, WHD, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है तो उसके हेल्दी के लिए 7th अप्रैल को ये सेलिब्रेट हम करते हैं। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनअप टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। डिसीज की बात करें, अगर डिसीज की बात करें तो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ अ बॉडी, मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन ऑफ ए ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी में कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसी को बोला जाता है डिसीजेज। द वेरियस कॉज बाय डिसीजेज आर, जैसे पैथोजन से होता है, आगे ऊपर बताए हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट, बैलेंस डाइट,
एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस की कमी के कारण भी हम बीमार होने के ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। फिर उसके बाद से क्या है, एक्यूट डिसीजेस अकर सडनली एंड ले लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन वाइल क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक्यूट डिसीजेस क्या होते हैं, सडनली हो जाते हैं एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन वाइल क्रॉनिक डिसीजेस जो होता है, कि क्रॉनिक डिसीजेस की बात करूँ, ये धीरे धीरे होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ये ध्यान देने का कि एक्यूट डिसीजेस क्या होता है, क्रॉनिक डिसीजेस क्या होता है। उसके बाद डिसीजेज इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफस्टाइल के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, इनफ रिलैक्सेशन, मतलब एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, इनफ रिलैक्सेशन दो, मॉडिफिकेशन, टेकिंग बैलेंस डाइट, गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, ऑल्सो मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। इस रीजन से हमारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ठीक है, जो डिसीजेज है और इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द माइक्रो और पैथोजेंस, ठीक है, इनको किल करके और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हेल्थ से अभी रिलेटेड पॉइंट देखते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। क्या कंडीशन है, तो गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। क्या पॉइंट दिया हुआ है, पहला गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट और गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होने चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, अपने आसपास क्लीन रखें, गुड सैनिटेशन रखें, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखें, जिससे कि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके। फिर लास्ट गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग, टू हैव न्यूट्रिएंट्स फूड एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। ये थे एंड पर्सनल एंड कम्युनिटी इज टू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ये दोनों मैटर करते हैं हेल्थ के लिए। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, ऑल दोज एक्टिविटी विच पीपल डू बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूएट द कम्युनिटी हेल्थ। सेकेंड, पर्सनल कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं,